हेलो एवरीवन, दिस इज होपमैन एंड वेलकम बैक टू 2 मिनट किने मास्टर बेसिक। तो आज का वीडियो होने वाला ट्रांजिशन के ऊपर। मैं बताने वाला हूँ कैसे हम दो वीडियो के बीच में कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए से चलते हम एडिटिंग की ओर। तो अभी हम आ गए किने मास्टर में। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं दो वीडियो को इम्पोर्ट करके रखा है। तो इस वीडियो के बीच में हम कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन को ऐड करने वाले हैं। तो बीच में जो प्लस का आइकन है उसमें जाना, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्लासिक्स ट्रांजिशन, उसके अंदर जाना और यहाँ पर जो फेड का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना। इसके बाद इसका जो कलर है उसको कर देना व्हाइट। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है उसको रखना 0.3 और सिंपली ओके कर देना। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक कैमरा इफेक्ट ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हम और एक इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है उसे थोड़ा सा पहले आना, इसके बाद जाना लेयर में, इफेक्ट में, और यहाँ पर एक इफेक्ट को डाउनलोड करना स्टोर से जिसका नाम है ऑटो HDR। तो उसको सिलेक्ट करना, इसके बाद इसे कुछ इस तरह फुल स्क्रीन कर देना। इतना करने के बाद सिंपली ओके कर देना। इसके बाद इसके सेटिंग में जाना और इसे फुल करके ओके कर देना। इसके बाद इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना और इसकी जो ड्यूरेशन है उसे 300 मिलीसेकंड कर देना। इधर आने के बाद इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन ऐड हो गया है। अब इसमें हम साउंड इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली जाना ऑडियो में और अपना साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने दो साउंड इफेक्ट को ऐड किया है। तो जो पहला वाला साउंड इफेक्ट है वो है कैमरा फ्लैश, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो दूसरा साउंड इफेक्ट है वो है स्नैप, जिसे कि आप किनेमास्टर स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले एक फेड ट्रांजिशन को ऐड किए, उसके बाद ऑटो HDR इफेक्ट को ऐड किए और दो साउंड इफेक्ट को ऐड किए। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो इसी तरह से हम अपने किसी भी दो वीडियो के बीच में कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।